बांग्लादेश के हालात से हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हमारा पूरा देश फिक्रमंद है कि ये हालात इतने खतरनाक क्यों हो गए। तख्ता पलट हो गया, उसके बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देश छोड़ के चली गई, और जिस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी इबादत गाहें मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गरीब लोगों के ठेले लूटे जा रहे हैं और दुकानें लूटी जा रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। मेरी अपनी सरकार से आपके माध्यम से ये डिमांड है कि इससे पहले कि देर ना हो जाए, इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए यूएन के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए और यूएन के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस बांग्लादेश में भेजी जाए, ताकि उन गरीब बेसहारा लोगों हिंदुओं का हिफाजत हो सके और उनको सेफ जगह रह सके। हम क्योंकि हालात घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं वहां पर, वो बेसहारा लोग जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी हिफाजत का जिम्मा हमारा भी है। अगर यूएन इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करती है तो हमारा इतिहास रहा है, एक बार हमने अपने देश की पीस कीपिंग फोर्सेस को भी भेजा था और इस देश को आजाद कराया था। जो कुछ भी वहां हो रहा है और जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है, हम उसकी तहे दिल से निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और अपने सरकारों से अपील करते हैं कि अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, एक्शन में आए और उन बेसहारा लोगों को बचाने की कोशिश करें। सांसद जी, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत डेंजरस कंडीशन है, भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जिस तरीके से वहां का माहौल चेंज हो रहा है। देखिए, भारत की बात अलग है, भारत की नहीं स्थिति। बांग्लादेश एक बहुत छोटा सा मुल्क है और बांग्लादेश का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति कोई ना बिगाड़ सकता है ना बिगाड़ पाएगा, लेकिन जो बांग्लादेश के हालात हैं उसकी डेमोग्राफी अलग है, भारत की डेमोग्राफी बिल्कुल अलग है। लेकिन चिंता का विषय है, 3 दिन हो गए ये सब कुछ होते हुए, हमारी सरकार खामोश क्यों है? क्यों नहीं स्टेटमेंट जारी करती और क्यों नहीं प्रेशराइज करती वहां की इंटरिम सरकार को, वहां की मिलिट्री रूलर को, के लोगों की हिफाजत की जाए? संपर्क विदेश मंत्री कह रहे हैं हम संपर्क में हैं वहां के लोगों से। में खाली होने से कुछ नहीं होता है। क्या देखा नहीं है आपने कि बड़ी ताकतें कैसे इंटरफेयर करती हैं? अमेरिका यूक्रेन में कैसे इंटरफेयर कर रहा है? अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या फोर्सेस नहीं भेजी थी? हमें इंसानियत को बचाने का काम करना चाहिए। हम वासुदेव कुटुंबकम के अलम बरदार हैं।